हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा खास, क्योंकि आज की हम लोग किस वीडियो में बात करने जाए कि जिम्बाब्वे वर्सेस अफगानिस्तान के हेड टू हेड के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, वेदर रिपोर्ट के बारे में, और आखिर में हम लोग किस वीडियो में बात करें कि प्लेइंग 11 के बारे में। तो आप सब लोगों को बस होना इतना है कि आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि आप सबको इस वीडियो को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मैच है ये आपको जिम्बाब्वे में देखने को मिलने वाला है। मैं आपको बता दूँ कि ये जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा ये वाला मैच। मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि जो मैच है ये आपको इंडिया के समय अनुसार 12:45 में देखने को मिलने वाला है दोपहर के। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जो मैच है ये मैच कल यानी 4 जून को खेला जाने वाला है। फिर बस ये लाइव टेलीकास्ट की तो दोस्तों अभी तक पक्का नहीं बताएगी कि किस पे आएगा, लेकिन दोस्तों तभी भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये मैच फैंगो डैप पे आने वाला है, क्योंकि दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि ये मैच फैंगो डैप पे आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस खास वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हेड टू हेड के बारे में। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुल मिला के 25 मैचेस खेले जा चुके हैं ओवरऑल इन दोनों के बीच, जिसने अफगानिस्तान 15 बार जीती है, जिम्बाब्वे 10 बार जीती है। दोस्तों जिम्बाब्वे को जितना कम समझा था उतना कम भी नहीं है ये। तो दोस्तों वही बताइए कि यहाँ पे किसका बनना भारी है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे अफगानिस्तान का बनना भारी है। वही बात की जाए कि यहाँ पे जिम्बाब्वे की जगह पर किसका बनना सबसे ज़्यादा भारी है, तो मैं आपको बता दूँ कि जिम्बाब्वे की जगह पर इन दोनों के बीच कुल मिला के 15 ODI मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसने अफगानिस्तान 8 बार जीती है, वही यहाँ पे जिम्बाब्वे 7 बार जीती है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अफगानिस्तान का बढ़ना थोड़ा बहुत भारी है। वही बात की जाए हरारे के स्टेडियम में इन दोनों की परफॉर्मेंस की, तो मैं आपको बता दूं कि हरारे के स्टेडियम में इन दोनों के बीच कुल मिला के 5 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसने यहाँ पे 3 मैच अफगानिस्तान ने जीते, वही दो जिम्बाब्वे ने। दोस्तों यहाँ पे अफगानिस्तान का बढ़ना थोड़ा बहुत भारी है। तो ये तो बात कर ली हमने हेड टू हेड के बारे में। वही बात चीज़ें बिच रिपोर्ट की, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हरारे स्पोर्ट्स क्लब में कुल मिला के अभी तक 159 ODI मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसने जिसे पहले बैटिंग की है वो 76 बार जीती है टीम, वही जिसे दूसरे बैटिंग की है वो टीम कुल मिला के 80 बार जीती है। यहाँ पे 2 मैच पे नॉन रिजल्ट निकले है, वही यहाँ पे 1 मैच पे टाई निकला है। तो यहाँ पे 24 टॉस जीते का वो टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला लेने वाला है। वही बात की एवरेज स्कोर की, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे पहली बैटिंग का जो एवरेज स्कोर रहेगा 230 का, यहाँ पे दूसरी बैटिंग का जो एवरेज स्कोर रहेगा 194 का। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे कुल मिला के 250 तक का मैच हो सकता है। वही बात की जाए हाईएस्ट लोएस्ट स्कोर के बारे में, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि इस स्टेडियम का हाईएस्ट स्कोर रहा है 350 रन 26 विकेट होके, ये बने थे कुल मिला के 50 ओवर में, ये बने थे ऑस्ट्रेलिया ने वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ। वही बात की लोएस्ट स्कोर की, तो इस स्टेडियम का लोएस्ट स्कोर रहा है 35 रन सुबह ऑल आउट होके, ये बने थे कुल मिला के 18 ओवर्स में, ये बने थे जिम्बाब्वे ने वो भी श्रीलंका के खिलाफ। तो दोस्तों ये तो बात कर लिया हमने पूरे के पूरे पिच रिपोर्ट के बारे में। तो वही बात की जाए वेदर रिपोर्ट की, तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे रहने वाला है हरारे का वेदर रिपोर्ट। मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे मौसम भी कुछ साफ रहने वाला है, वैसे किसी भी टाइप की चांसेस नहीं है यहाँ पे, जो कि देखा तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे इतने मजेदार मैच में बारिश हो। तो ये तो बात कर हमने वेदर रिपोर्ट के बारे में। चलिए दोस्तों अब हम लोग किस रूप में बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिम्बाब्वे के प्लेइंग 11 की, जो कि इस प्रकार से है। तो दोस्तों पहले नंबर पर कैटानो और दूसरे नंबर पर आगे रखे चगावा, जो कि हमें टीम के लिए विकेट कीपिंग का दोनों से आने वाले है। तीसरे नंबर पर आगे क्रिकेट वाइन, जो कि हमें टीम के लिए कैप्टन से दोनों से आने वाले है। चौथे नंबर पर आगे विश्व मैथिव, पाँच नंबर पर आगे मिल्टन सुम्बा, दोस्तों छठे नंबर पर आगे सिकंदर राजा, सात नंबर पर आगे डीएम बोल, आठ नंबर पर डीएम मायर्स, नब्बे नंबर पर लोकचुंग, वही 10 नंबर पर मुनासमनी, वही 91 और 80 नंबर पर आगे डंडे चटारा। तो ये तो बात कर लेंगे जिम्बाब्वे की प्लेइंग 11 के बारे में। सच में यहाँ पे काफ़ी अजीब अजीब नाम है जिम्बाब्वे के। यही बात चीज़ें अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की, दबाव कुछ इस प्रकार से है। तो पहले नंबर पर आगे नंबर थे लोकुल पास, होकर मीडियम के लिए विकेट कीपिंग का दोनों से आने वाले है। दूसरे नंबर पर आगे रियाज हसन, तीसरे नंबर पर हसमतुल्ला शहीदी, जो कि मीडियम के लिए कैप्टनसी का दोनों से आए के। चौथे नंबर पर आगे रम शाह, पाँच नंबर पर आगे रसीबुल्ला सुल्तान, छठे नंबर पर आगे मोहम्मद नबी, सात नंबर पर आगे राशिद खान, आठ नंबर पर आगे असमतुल्ला मसे, नवे नंबर पर आगे फसल फारूकी, वही 10 नंबर पर आगे मुजीबुर रहमान, वही 91 और अंतिम नंबर पर आगे जमीन। तो दोस्तों ये तो बात कर लिया हमने अफगानिस्तान की भी प्लेइंग 11 के बारे में।
तो दोस्तों वही बची है प्रेडिक्शन की, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी तक जिम्बाब्वे ने कुल मिला के 137 मैचेस खेले हैं, यहाँ पे कुल मिला के 43 मैच जीती है जिम्बाब्वे, तो यहाँ पे कुल मिला के 92 मैच हारे भी है। एम एस इनका टाई भी रहा है, वही इनका एम एस ड्रॉ भी रहा है। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जिम्बाब्वे काफ़ी ज़्यादा कमजोर है। मेरे भतीजे अफगानिस्तान की, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी अफगानिस्तान ने कुल मिला के 8 मैच खेले है, जिस तरह उनको 6 में जीत मिली वही 2 में हार मिली। तो इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी दोस्तों अफगानिस्तान थोड़े से खतरनाक है। तो दोस्तों वही बात की जाए कि अभी किसके जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों अब तक हमने जीतता भी देखा है, उसको देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि यह अफगानिस्तान के जीतने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि हेड टू हेड में अभी थोड़ा सा ऐसे ही लगी यहाँ पे अफगानिस्तान को बढ़ना भारी था। मैं दोस्तों वही हमने अभी हरारे का परफॉर्मेंस तो देखा था, दोनों टीमों को उसमें भी दोस्तों जिम्बाब्वे काफ़ी कमजोर थी, वही अफगानिस्तान खतरनाक थी। तो इन सबको देखते हुए लगता है कि अभी अफगानिस्तान ने जीतेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और साथ ही साथ ये कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये वाला मैच। तो अब हम मिलेंगे ट्रेड अगली वीडियो में।